22 मई की रात को एक व्यक्ति की मौत होती है और उस तो बाद परिवार वालों शक जताया जाता है कि उसकी हत्या की गई है। रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुकदमा जोड़ा है वह भी दर्ज हो गया है, पर परिजन जोड़े ने यह उसको हत्या करार दे रहे हैं। इस मंग को लेकर फरीदकोट स्टेशन का जोड़ा रेलवे ट्रैक है उसके उत्ते परिवार वाले और पिंड वासी जो ने बैठ गए हैं। तस्वीर तुम वेख सकते हो। तो दस दी कि फरीदकोट का पिंड टुड्डी का रहने वाला जगजीवन सिंह, जिस दी कि दसा जाता कि होस्पिटल में उपचार दौरान उन्होंने मौत हो गई सी, परिवार ने जोड़ा है हत्या किए जाने का आशंका जताई सी, संस्कार कर तो इनकार कर दिता सीगा। तो तुम दस दिए कि 25 साल का जगजीवन सिंह KFC में काम करता से 22 मई की रात को किसी काम को लेकर घरों निकलिया सी अते वापस नहीं आया। इस दौरान परिवार को पता लगता कि जगजीवन सिंह रेलवे पटड़ी से कायल अवस्था में पिया है, जिसनों कि होस्पिटल में भर्ती कराया जाता है अते इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वालों कार्रवाई की जाती है, पर कार्रवाई तो परिवार संतुष्ट नहीं होया। हत्या की गल कही जा रही है कि उन्होंने जो लड़का है, परिवार का बच्चा है, उसकी हत्या की गई है। तो इस पूरे मामले पर जोड़ा है करीब अज दूजा दिन है, परिवार जोड़ा है रेलवे थाने पर प्रोटेस्ट कर रहा है। हाल की कड़ी जोड़ा है उन्होंने पिंड वासी जो ने इतने रेलवे ट्रैक पर बैठ गए ने। तस्वीर तुम इस वक्त देख रहे हो जिथे कि इस वक्त प्रोटेस्ट जोड़ा है वह किया जा रहा है। फरीदकोट रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है जिथे कि इस वक्त पिंड वासी जो ने बैठे हुए ने अते रेलवे ट्रैक जोड़ा है इसको जाम कर दिता गया है। तो जो इतों के लोग ने वो इतने रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए ने, मांग की जा रही है कि जोड़ा सही कार्रवाई है वह होनी चाहिए है। तो तस्वीर तुम इस वक्त फरीदकोट रेलवे स्टेशन दिया वेख रहे हो जिथे कि इस वक्त पिंड टुड्डी के निवासी अते जो मृतक लड़का है जगजीवन सिंह उसके परिवार के मैंबर जो ने इत्थे बैठे हुए ने। तो तुम दस दिए लगातार पुलिस जिहड़ी हैगी है वह जाँच कर रही है, पर इस वक्त परिवार जिहड़ा है इत्थे रेलवे ट्रैक पर धरना लगा के बैठा हुआ है। तो पूरी जानकारी भी ले लें कि किस तरीके का मामला सीगा, की कुछ होया अते पुलिस ने इस पूरे मामले में की कुछ किया है। तुम दस दिए कि लगातार परिवार जिहड़ा है इंसाफ की मांग को लेकर थाने के बाहर बैठा हुआ सीगा। एक जानकारी जिहड़ी हैगी है वह ले लें कि किस तरीके का जिहड़ा है ये पूरा मामला सीगा ते की कुछ इस दौरान होया, पुलिस ने कार्रवाई की है तो किस तरीके की की है। भाई जी तुहाडा की नाम है जी? मेरा नाम बलविंदर सिंह है, प्रचार सकत्र क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। बचित्र जी की पूरा मामला होया है ते पुलिस ने हुण तक की किया? पूरा मामला ये है जी, अही अज समझ लो 22 तरीक की गल है, 22 तरीक रात को बंदे की डैथ हो जाती है तो अज 27 तरीक हो गई है, अजे ताईं कोई गिरफ्तारी नहीं की, बंदे नामजद किए थे कोई गिरफ्तारी नहीं की। असी अज समा दिता, कल भी असी शाम को कह के गए थे अं सुबह 10 बजे तक सू समा देंगे, फिर कोई गल नहीं हुई। अज सारी दिहाड़ी सानू फिर लंघ गई है तो असी फिर 3 बजे तीन उदो दसता भी अं रेलवे ट्रैक जाम करांगे जे ना साडे भी उन्होंने गिरफ्तारी सानू इनवैसटीगेशन तो करके दसन भी यार भी बंदा मरिया, बंदा साडा लाश उत्थे पई है, किन्ने दिन हो गए है। आरपीएफ दे कर्मचारी आए थे की क्या उन्होंने है जी, जो कर्मचारी आए थे उन्होंने की गलबात हुई है? जिहड़े आ हुण आए थे उदो मैं इत्थे है नहीं सीगा, मैं दूजे पासे सीगा, मैं उदो बंदियां नूं बुला रहा सीगा। तो असी तो हुण भी जो साडी तो मजबूरी है, असी सानू इंसाफ दवाया जाए यार, कमाल हो गई किन्ने दिन हो गए प्रशासन के कोल फिरदियां नूं कोई मतलब गल ही नहीं सुनते है जी। पुलिस मामला दर्ज है, बंदे मतलब भी पता भी केड़े केड़े बंदे है, गिरफ्तारी लेके बैठे हाँ बस भी वह गिरफ्तार करके सानू पता दसन भी केड़े बंदे ने मारिया साडा बंदा की होया की नहीं होया साडा।
बिल्कुल तस्वीर तुम वेख सकते हो इतने प्रोटेस्ट जोड़ा है वो चल रहा है। हाल की कड़ी इस वक्त इतने वड्डी गिनती प्रदर्शनकारी जो ने वो रेलवे ट्रैक के उत्ते बैठे हुए ने। तो हाल की कड़ी जो ऑफिसर्स ने रेलवे के उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करांगे कि इस पूरे मामले पर उन्हों का की कुछ कहना है। तस्वीर तुम रेलवे ट्रैक फरीदकोट तो वेख रहे हो जिथे कि रेलवे ट्रैक में जाम कर दिता गया है। तो फिलहाल जो ऑफिसर्स ने गलबात करने की कोशिश करांगे कि कुछ उन्होंने इस पूरे मामले पर कहना है। तो प्रदर्शनकारियों को डीसपी साहब पहुँचे हुए हैं, सर रेलवे ट्रैक रोकया गया है परिवार वालों की लगता है कि पूरा मामला किस तरीके का सिचुएशन किवें है? ये एक 23 साल का लड़का है जगजीवन सिंह, तो उस लड़के की ट्रैक तो मतलब मिलया सीगा ते उन्हें फिर जो हस्पताल लैके गए उसकी डैथ हो गई सी। तो उसके परिवार ने कहा कि साडा बच्चा किसी ने मार आया उन्होंने है ना, उस करके डैथ हुई है। ये फिर GRP की ज्यूरिडिक्शन पैंदी सीगी, तो वो जिहड़ा GRP ने 306 का IPC का परचा रजिस्टर्ड किया और जिहड़े बंदे विच उहदे दोषी आ उन्हां दे नाम भी पता GRP वालियां नूं किहड़े किहड़े बंदे आ। मैं बींग ए सब डिविजन ऑफिसर फरीदकोट तो मैनूं पता लग्गा सी कि जिहड़े मदई पार्टी आ उन्होंने रेलवे ट्रैक नूं रोकिया। फिर मैं उत्थे आ गए उन्हां दी गल सुनी, उन्होंने मैंने दसिया कि असी इस करके रोकया ट्रैक क्योंकि साढ़े बंदे नहीं फड़े जा रहे जिहड़े दोषी पार्टी है उन्होंने फड़ नहीं रही पुलिस। फिर मैं आण के उन्हां दी गल सुनी, उन्होंने मैं दिलासा दिता कि जिहड़े आ मैं GRP के सीनियर ऑफिसर नाल भी गल करांगे तो तुहाड़े बंदे जिहड़े आ दोषी तो फड़ने पुलिस की जिम्मेवारी बनती है फड़नगे। रेलवे पुलिस की कार्रवाई तो खुश नहीं परिवार? हाँ जी, रेलवे पुलिस की कार्रवाई तो खुश नहीं है परिवार, संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये बारे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उन्होंने ये कहा कि पुलिस जी दोषी पार्टी नूं नहीं फड़ रही, गिरफ़्तार नहीं कर रही। फिर मैं दूसरी पार्टी जी जी दोषी पार्टी उन्होंने वालों भी धरना लगा से, उन्होंने मैं ये गल समझाई है कि बच्चे की डैथ हुई है उन्होंने अजे तक संस्कार नहीं होया, तो असी इंसानी नाते भी सानू उन्होंने नाल कोऑपरेट करना चाहिए। जिहड़ी गल रही कि वह बंदा दोषी हैगा या नहीं है, एक एक तफ्तीश का हिस्सा है, ठीक है ना, एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जे तुम लगता कि दोषी जोड़े आ बेगुनाह है तो उन्होंने बेगुनाह कर देंगे, कल कोर्ट चो डिस्चार्ज करा लेंगे उन्होंने, ठीक है ना। पर फिलहाल जो मतलब इमीजिएट एक्शन करने वाली गल है, मैं SHO नूं कह दिता कि जो अकॉर्डिंग टू रूल बनता बंदे जोड़े अरैसट करो इमीजिएटली ताकि इन्हों इंसाफ मिले मदई पार्टी और यदा बच्चे का संस्कार हो सके। रेलवे ट्रैक खाली हो चुका इस वक्त? हाँ, फिलहाल रेलवे ट्रैक जोड़ा मैं IK Sharma जोड़े है इंस्पैक्टर RPF के उन्होंने मैंने कहा कि रेलवे ट्रैक जोड़ा क्लीयर हो चुके हैं। ठीक है, दोनों धिरां सर सहमत ने हुण संतुष्टि दोनों धिरां नूं? उन्होंने परिवार को जो दूजी पार्टी बैठी सी धरना लगा रही थी ये तो चलो पीड़ित ने दूजा परिवार भी आ गए। मैं दूसरे परिवार को मैं कन्विंस कर दिता ना, मैं कहा भी तुम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करो, जे तुम लगता साडा बंदा बेगुनाह तो ये तो नहीं प्रोसीजर है कि तुम धरना लगा दो, ठीक है ना। धरना इज नॉट द सोल्यूशन, अपनी जे तुहानूं कोई कंप्लेंट आ तुसीं सीनियर अथॉरिटी ने जिहड़े आ उन्होंने तुसीं कंप्लेंट करो, एप्लीकेशन देवो, प्रोसीजर के मुताबिक उन्होंने तफ्तीश करांगे, तफ्तीश में जिहड़ा कोई बेगुनाह पाएगा उन्होंने बेगुनाह करके डिस्चार्ज करा देंगे कोर्ट जो, पर इमीजिएटली तो अरैसट करना बनता ना। तो बिल्कुल DSP साहब साडे नाल मौजूद सीगे, गलबात कीती है अते दूजे पासे जो रेलवे ट्रैक ते इस वक्त प्रदर्शनकारी बैठे सीगे एक वार दे लई, ओह प्रदर्शनकारी उत्थों उठ गए ने, ट्रेन जोड़ियां ने उन्हां नूं लंघाया जा रहा। फिलहाल वेखदे हां कि इस पूरे मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई किस तरीके की रहने वाली है। फरीदकोट तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी के साथ सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा TV।